Hi everyone, I am Anagha Jayakumar, daughter of ex-Havildar Jayakumar. First of all, thanking you all to give us such an opportunity to say something about Kargil Vijay Divas. 2 मई सन 1999 में सर्दियों में रजाइयों में लोग चमंदर थे, वहाँ एक चरवाहा ताशी नामक गयाल जो अपनी बकरियों को चरवाने गया, उसकी एक याक खो गई थी। ढूंढते ढूंढते 10:42 जब सूरज भी नहीं निकलता पहाड़ियों पर, उस समय इस चरवाहे ने देखा कि सामने पहाड़ियों में कुछ हलचल चल रहा है। उसने अपने बाइनोक्युलर से देखा तो वो भागा भागा आया और वहीं से शुरू हुई एक बहुत बड़ी कहानी, एक बहुत बड़ी युद्ध की कहानी, जिसे हम और आप आज इस दिन कारगिल विजय दिवस के नाम पर जानते हैं। टेम्परेचर 47.5°C, जहाँ खून भी जम जाता है, सांस भी रुक जाती है। खड़ी हुई थी हमारी भारतीय सेना, अलार्म बज चुका था, अलर्ट होना जरूरी था। 14 मई कैप्टन सौरभ कालिया, जो चार जट रेजिमेंट के थे और उनके साथ कुछ लोगों को बंधक बना दिया गया और अगवा कर दिया गया। उसके बाद जो भी हुआ वो किसी भी युद्ध या नियम नीति के खिलाफ था। उनके आंखें निकाल दिए गए, सर काट दिए गए, शरीर के हजारों टुकड़े टुकड़े कर बोरी में डाल दिया गया। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद हमें पता चल गया था कि अब ये युद्ध भूमि बन चुका है हमारी सेना के आगे। दिन पागलपन के तरीके से इंडियन एयरफोर्स ने अपने तोपखाने को के मुंह खोल दिया और शाम होते होते 0.4590 को अपने कब्जे में कर लिया और पूरी ताकत से हमला किया। 9 जून को इंडियन आर्मी ने अपने की स्ट्रेटेजिकल पोजीशंस वापस हासिल कर दिया था। तुलिंग पहाड़ में भी हमने अपने कब्जा वापस हासिल कर दिया था, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने सक्सेस सिग्नल के इसमें चूज किया था कि ये दिल मांगे मोर। फिर 11 जुलाई में पाकिस्तानी आर्मी विड्रॉवल ऑफिशियली शुरू कर दिए थे। 14 जुलाई को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा की थी। दे से दैट इंडियन आर्मी स्टैंड्स फॉर इट्स डिग्निटी एंड स्टैंड फॉर इट्स सोल्जरहुड। 26 जुलाई 1999 में कंप्लीट एविक्शन ऑफ पाकिस्तानी इंट्रूडर्स, उसके बाद ऑफिशियली कारगिल विजय दिवस की घोषणा कर दिया गया इंडियन आर्मी और भारत सरकार के द्वारा। इस युद्ध के मार से पाकिस्तान आज तक कभी कश्मीर की ओर देखने से पहले कारगिल युद्ध को जरूर याद करते हैं। दोस्तों, हम कितने त्योहार बनाते हैं, कुछ दिन भारत के लिए भी बनाए जाने चाहिए जैसे कारगिल दिवस, क्योंकि ये हमारा कर्ज है, इस खुली हवा में सांस लेने का कर्ज, आजादी का कर्ज, हमने अपने घर में सुकून से बैठने का कर्ज, क्योंकि आजादी हमें भीख में या मुफ्त में नहीं मिली थी, छीनी गई थी, कमाई गई थी। जय हिंद।